सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन की कीबोर्ड का जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज करके अपनी फोटो या फिर किसी भी दूसरे फोटो को लगा सकते हो। या दोस्तों आप कई बार चाहते हो कि आपके फोन पे कोई नया लुक्स आए पर आपको वो सेटिंग मालूम नहीं होता है जिसके द्वारा आप ये लुक्स दे नहीं पाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से अपने कीबोर्ड का बैकग्राउंड का जो फोटो है वो कैसे चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को अंत तक पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। तो भाई इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई भी फोन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये ट्रिक काम करेगा। तो कैसे करना है मैं आपको सिंपली अपना एक ट्रिक के पहले अप्लाई करके देखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा कीबोर्ड है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ से मैं आपको इस कीबोर्ड के बैकग्राउंड पे अपनी फोटो ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कीबोर्ड रहेगा और यहाँ पे ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर ऑप्शन पे थीम का ऑप्शन दिया गया है, तो सीधा आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखना है माई थीम लिखा हुआ है, तो आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फोटो चूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये मेरा कीबोर्ड का साइज आ चुका है और मैं यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो कीबोर्ड का बैकग्राउंड क्लियरिटी है वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब फोटो का जो ब्राइटनेस है वो आप यहाँ से एडजस्ट आसानी से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो ब्राइटनेस है इस फोटो का आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी हद तक ब्राइट हो चुका है, और जो कीबोर्ड का लिखा हुआ टेक्स्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करके एडजस्ट करके सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको, और ये आपका काम हो जाएगा। तो आप बैक आते हैं, बैक आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो कीबोर्ड में बैकग्राउंड है वो मेरा फोटो यहाँ पे लग चुका है। तो इसी तरह से आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं अगर ये सेटिंग आपके फ़ोन पे आता नहीं है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है और आपका डाटा कनेक्शन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जी बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जी बोर्ड सर्च करके यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाओगे। तो ये हर एक फ़ोन पे इंस्टॉल रहता है, और अगर आपके फ़ोन पे ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर दे, और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ये सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए हर बार ले आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।